तो भाई अभी हमने एक दोस्त को बुलाया है, उससे मिलना है यार। पहले मैं रास्ता तो देख लूँ। उसको मैंने बुलाया, उसको मैंने बोला यार कि आ जाओ, मैं गाँव आया हूँ, मिल लेते हैं। तो बात ऐसी कि पिछली दफ़ा जब मैं गाँव आया था तो ये दोस्त मुझसे मिलना चाहता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था। एक या दो दिन गुजार के मैं चला गया था, इससे मिला नहीं था। इसने मुझे कॉल की थी तब मैं पिंडी के बस में बैठा हुआ था, तो आज मिल लेते इनसे। वो सामने खड़ा है, एक मिनट। हाय 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 हाय। वालेकुम सलाम। ये वो लड़का, पिछली दफ़ा मैं आया था, मैं जब गाड़ी में बैठा पिंडी जा रहा था, रास्ते में उसने मुझे कॉल की कि बाहर आओ, मैं घर के सामने हूँ। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब कि चेक करो भाई, एक्सपर्ट लोग बैठे हुए, एक्सपर्ट। हाँ, हमने कभी बचपन में ये गैदरिंग वगैरह की नहीं यार, हमारा फर्स्ट टाइम है। ओए नहीं सर, फर्स्ट टाइम नहीं है। हां फर्स्ट टाइम है। दिस इज ना 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 ना। एक दिन हमने किया था वो फुरकान लोग, उसमें नहीं, बैठक में, याद नहीं तुम्हें? हां हां एक बार किया था, ये सेकंड टाइम। ये सेकंड टाइम है। हां बाकी शैतानी के लिए हम लोगों ने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ शैतानी शैतानी। 4800 भाई, ये तो ये काम तकरीबन पिछले 10 मिनट से स्टार्ट है, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा। मुझे लगता है ना कि भाई रात की अजान इधर ही हो जानी है। अभी हम आग जला रहे हैं। चलो जी, अभी यहाँ पे ना हमारे पास गैस वगैरह नहीं है, तो हम यहाँ पे लकड़ियों से आग जलाएंगे, और इसी का मजा है यार। गैस होती तो बस भाई गैस में इधर लगा दो भाई, मजा ही नहीं आता। देसी स्टाइल कहती है। देख लो भाई आग जलाने का तरीका, पहले इस शापर को ऊपर से इसके ऊपर गिरा जाए। चलो जी, एक प्रोफेशनल है बंदा। हाँ, ज़्यादा खुशी में ना आग के अंदर ना गुजर पीछे। जल जाएगा जल जाएगा जलेगा 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 जलेगा। या अल्लाह, मुझे भी कोई ऐसा दोस्त कोई मिला। मुँह से काटू यार। ये तो स्वाग में डालनी थी ना। ओ हो 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 भाई, कभी कभी हम गलतियाँ कर देते हैं, कोई मसला नहीं। इंसान से गलती होती है, इंसान गलती की वजह से यहाँ पर आया। और तो चाकू। हाँ हाँ, चेक कर ऊपर कौन आ गया है। पहले भाई पहुंच चुकी है अगली। हाँ, नया घर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर देख लिया फिर आप लोगों ने सिर्फ माशाल्लाह माशाल्लाह लिखने। बोलो। हाँ जी, चलो जी। तो ये एक गोश्त आया, किधर है टमाटर? किधर है टमाटर? ला रहे टमाटर लेके आओ यार। ये कौन सा कानून है, पहले गोट डालते हैं पहले टमाटर डालते हैं? पहले गोट डालते हैं। ओ भाई, हवा क्या डालते पहले? पहले गोट डालते हैं, उसे फ्राई करते हैं, उसके बाद टमाटर डालते हैं भाई। अगले प्रोसेस जब गल जाएंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद समझिए गरम मसाला डालेंगे। किधर से सीखा है, किधर से? मैं तो भाई सब पहले टमाटर डालता। मुझे कुकिंग करना पसंद है, इसलिए घर वालों से सीखा है। बस तुम्हारी फ्यूचर में लड़ाइयाँ कम होंगी फिर। समझदार हुआ क्या? नहीं नहीं, वो तो मम्मी डैडी वाले घर में ऐसा होता है, हमारे देश में यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हाँ, तो भाई टाइम आ चुका है, अभी गोश्त डालेंगे। गोश्त डालेंगे भाई साहब, आराम से बस। पानी भी आ चुका है, अब इसमें पानी भी डालना है ना? नहीं नहीं, पानी नहीं डालना, सिर्फ इसे फ्राई करना। इसको फ्राई करना, अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ठीक है भाई, मैं फ्राई नहीं करेंगे फिर ये जल जाएगा। तो भाई मैं इधर बैठा हूँ भाई, सबसे इसकी वीडियो बना रहा हूँ, बाकी मेरा कोई काम नहीं है। थोड़ी देर में जाएंगे, अभी आसानी हो जाएंगी, नमाज भी पढ़ेंगे और
चलो जी, हमारे अब्दुल रहीम सर नमक लेके आ चुके हैं जख्मों पे छिड़कने के लिए। चलो जी, नमक भी डाल दिए। और हमारे अब्दुल रहीम साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना। कुछ तो कह दे। नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बच्चों के। ये बोल कौन रहा है, चेक करो, ये नजर आ रहा है? मैंने नहीं बोला, ठीक है, मैं शरीफ लड़का हूँ। नाम कौन सा? पापी है। पापी। ये अभी जैसी वीडियो ऑफ होगी ना, तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी और जो हमारी जो वीडियो होगी कुछ अलग ही रिकॉर्ड होगी। चलो, ये इसके जिम्मे, अगर कुछ हुआ इसके। चलो, फाइनली अंधेरा हो चुका है, लेकिन हमारा काम अभी भी। ओए माशाल्लाह, ये तो बन चुका है एक हद तक। हाँ, हाँ, ज़बरदस्त। वो हबीबी होटल, हबीबी होटल, उस पर भी जाएंगे ना? वो किधर है? किधर है? बाजार में। वो वहाँ इतना दूर नहीं जा सकते। क्यों? मोटरसाइकिल है ना। मेरी जिंदगी जाए फिर चक्कर लगाए। हाँ, क्यों नहीं यार, हबीबी होटल। म्याओ। वो चक्कर, वो बिल्ली जिसकी आंखें आ रहे। ओए होए होए होए। तो माशाल्लाह भाई, नबील की मेहनत से देख पक चुकी है और अभी इसको हम उतारने वाले हैं। अल्लाह हैर करे। ओए, मोबाइल को चार्ज में रखा। बन गई? पक गई है, माशाल्लाह पक गई है। ज़्यादा नज़दीक अंदर घुस जाऊँ? ओए होए होए होए, ये तो वो बुराक वाले वो डिश है ना। रहमान रहीम। और ये वो लड़का है जिसने कोई मेहनत नहीं की, वैसे इधर अंदर बैठा हुआ था। से सही कर, पूरे देख को खाली कर रहा है। अभी छाटने का इरादा है क्या? बस छोड़ दे बाकी वो। ये हमारा शेफ है माशाल्लाह। चौबीस घंटे में 4 घंटे होती है। वो क्यों होती है? जो तुम जैसे तालीम याफ्ता, कसम से कभी कभी सोचता हूँ तुम जैसे तालीम याफ्ता का कोई फायदा नहीं। ये जो तुम्हारे रोड इस तरह पड़े हुए हैं ना, अपने लिए तुम लोग खुद आवाज़ नहीं उठा सकते, तुम लोग फिर किससे गिला करोगे? बड़े भी आवाज़ नहीं अपने लिए उठा सकते, फिर आ जाए, बैठ जाए। तुमने उठानी है, बड़े तुम्हारे कोई वो बड़े तुम्हारे पता नहीं। बिल्कुल यार, एक मिनट, मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो। तुम तालीम याफ्ता हो, तुम अपने लिए आवाज़ उठा सकते हो, अपने साथ बंदे मिलाओ, अपने साथ बंदे मिलाओ, बोलो कि ये रोड क्यों नहीं बना के दे रहे। ये बात अच्छी है भाई, ये बात अच्छी है, ये बात बिल्कुल आपने अच्छी, सही बात किया ना। बिल्कुल, तालीम का क्या फ़ायदा है? ऐसी तालीम का ये फ़ायदा है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, इंसाफ मांगो। ये भाई तू आवाज मांगेगा और तेरे लिए बाहर ब्लैक वीगो आएगी। तुम देखने भाई माशाल्लाह, हम 1, 2, 3, 4 और मैं पांच हम शुमार नहीं, कम ही खाता हूँ मैं, ये लोग ज़्यादा खाते हैं। हमारा जो चट्टा आदमी था वो बेचारा चला गया, कोई बीमार शुमार हो गया। आ गए? अच्छा ठीक है, काने के टाइम इतनी इमरजेंसी नहीं, बस फनी। ओके भाई, आप देख सकते हो किस तरह, मतलब कि भाई सब से चाटा गया है। ये इस लड़के ने चेक करो, भाग रहा है, ये देख, ये चेक करो, अपने हाथ ना कपड़ों से दूर लेके जा रहे भाई। पूरे 3-4 मिनट के लिए इसने अपना फेस डंपा हुआ था।